sometimes the police have no option, because if somebody speaks a lie, the police can't say that you are speaking a lie. It's very difficult for the police to do so. So I am inclined to give the benefit of doubt to the police, because at the moment, unless we cross-examine the witnesses, it's difficult to say that the police fabricated this evidence. और बताइए किस किस तरह की परेशानी होती है? क्या हो गया? नहीं, अच्छी कोई बात नहीं। क्या हो गया? जाइए आप। कपड़ा वपड़ा पहन के आओ, यहाँ कलेक्ट्रेट है वैसी में। तो कपड़ा पहन रखा है हम लोगों ने। हाँ, कहाँ से आए हो आप? हम लोग दिल्ली से आए। हाँ, तो दिल्ली से आए तो उधर बैठ के आराम से लो ना इंटरव्यू, यहाँ खड़े कैसे? हम पूछ रहे हैं ये किस काम से आए हैं। किसी को परेशान कर रहे हैं आप, पूछ ले किसी से। तो हम लोग क्या पता है भाई कि दिल्ली से आए, तुम कहाँ से आए हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हम रहते हैं इस देश में, हम क्यों नहीं आ सकते? तो यहाँ नहीं आ सकते हो ना? यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि हम नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते जी, बोर्ड बना किसी? आज तो यहाँ नक्सलाइट है। कहाँ नक्सलाइट? यहाँ कोर्ट में। इधर कोई नक्सलाइट कौन है इधर बताओ? यहाँ सब जने आ रहे हैं भैया, देख रहे हो पर्चा वर्चा, कल पर्चा छप गए हैं। बंद करो इसको, बंद करो। चुतिया समझते होगा हम लोगों को? कैसी बात कर रहे हैं सर आप, कैसे बात कर रहे हैं? चलो मैं एसपी साहब के पास। चलो चलो चलो, काहे का इंटरव्यू ले रहा। ये पूरा एमपी पहले था मध्य प्रदेश, और 2002 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो ये 2002 में ये जो एरिया आपको दिखा रहे हैं ये पूरा छत्तीसगढ़ हो गया था। अब यदि हम नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारे इस देश में नक्सलिज्म इस पूरी बेल्ट में, ये जो सीमाएं हैं आपकी इधर महाराष्ट्र की सीमाओं पर लगा हुआ है आपका, और ये जितनी भी सीमा है, ये आंध्र सीमा हो गई, ये उड़ीसा सीमा हो गई, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से कॉर्नर आपका ये बिहार निकल गया है, और बिहार निकलते हुए लास्ट यूपी बॉर्डर होते हुए नेपाल निकलते हैं। ये किनका इस तरह से जो है चल रहा है, मतलब कॉर्नर बिल्कुल जो है इस तरह से कॉर्नर में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिस भी स्टेट के, वहाँ पर लोगों का वर्चस्व है।
बॉर्डर में इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि उनको आने जाने में सहूलियत रहती है, मूवमेंट्स और कोई प्लान तो होते नहीं है, तो उनको ये है कि सुविधा होती है कि हम यहाँ पर अच्छे बेहतर ढंग से जा सकते हैं। कोई भी एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जब जाती है तो विदाउट परमिशन एंट्री नहीं करती है, वहाँ के SP से कंसल्ट करती है, तभी कोई इसी ऑपरेशन पर वो आता है। यदि SP या CRPF जहाँ पर इवेंट्स ज़्यादा होने लगती है तो CRPF अदर भी पुलिस को भेज दिया जाता है, वहाँ पर शासन अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करता है जहाँ पर ज़्यादा नक्सलियों का मूवमेंट हो जाता है। ये लोग पुलिस CRPF या BSF या बीच में नाका बटालियन मंगवाया था मिजोरम से, इन लोगों को वहाँ पर कैंप करवा दिया था इन्होंने, ये शासन करती है। पर उनको तो इलाके नहीं पता होंगे, तो उनके हेल्प के लिए DF तो रहता है, जिला पुलिस बल रहता है। ये जो आपके बॉर्डर दिख रहा है जैसे गोंदिया हो गया आपका, इधर नंदनगांव हो गया आपका, ये आपका हमारे कांकेर जिले का भानप्रतापपुर बेल्ट कहलाता है, ठीक है, ये आपका बीजापुर साउथ बस्तर कहलाता है, हमारे बस्तर संभाग का ये कुंटा कहलाता है, ये पूरा आपको ये कोटपाल उमरकोट ये बॉर्डर है आपका, ये बंदरों में अगर अभी यहाँ पहुँच गए, अभी तक ये ज़्यादा था कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर वो प्रभावित नहीं है। आज उस रायपुर के का जो मैनपुर एरिया है वहाँ पर जहाँ पर हीरे की खदान है वहाँ पर लोगों का दिक्कत हो चुका है। पैसा मिलता है उसके? हाँ, किराया देते हैं ना, देंगे किराया देंगे। पर ये जो CRPF ने लिया था तो CRPF के पास तो बहुत गाड़ी है, गाड़ी की तो कोई कमी नहीं है ना? वो उतना नहीं मालूम। हाँ, और वो सरकारी गाड़ी में नहीं घूमने से डरता है ना? घूमते भी नहीं है, फालो में रख देगा, कहीं लंबा सब जाते ना फालो में रख देगा, पीछे में रख देगा ना, सांप के आगे गाड़ी आगे रख देगा, ऐसे रहता है, गार्ड लोग को बैठा देता है, ऐसे घूमता रहता है। तो ये सारा नक्सल का इलाका ही है? एक मतलब यहाँ पर मतलब एनकाउंटर हुए हैं या मतलब नक्सल का इलाका मतलब क्या? एनकाउंटर नहीं मार, वो सब नहीं मार। जैसे उधर से आए आपने कह दिया ना कि ये नक्सल का इलाका यहाँ से चालू, हाँ वहाँ से चालू होता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब नहीं मालूम। तुमको किसने बोला कि नक्सल कहलाते हैं? सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ पर हम लोग वैसे हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शाम को यहाँ पर कुछ डर होता है किसी चीज़ का, ऐसा कुछ है क्या? मालूम नहीं है, लोग कहते हैं नक्सलवाद बहुत है इस एरिया में। तो है कहाँ? अभी कुछ हुआ था ऐसा? यहाँ पर हुआ था, नगरी चावा पर हुआ था ना। क्या हुआ था उसको कुछ है, वो उतना जानकारी नहीं है। अब नहीं जानते क्या हुआ? क्या हुआ था भाई साहब नगरी में? क्या हुआ था? अभी बम धमाका हुआ था ना, किसने किया था? आतंकवादियों ने, आतंकवादियों ने किया था। किसको मारा? पुलिस वाले को, मतलब पुलिस वाले को गाड़ी को गिरा दिया। कौन से लोग भैया? अंतरी अंतरी यहाँ से हम उधर हैदराबाद से जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे मतलब जाने में काफी खतरा होता है। कहाँ? नहीं कोई खतरा नहीं, वो कह रहे थे नक्सलाइट एरिया इस उधर जगदलपुर एरिया में नहीं है। अच्छा, मतलब आपको सीधे अब जाएंगे जगदलपुर जाएंगे, उसका बहुत शांत वातावरण है, कोई रिस्क नहीं है। घटना हुई थी या नगरी हुई थी? नगरी। क्या हुआ था? नक्सलवादियों ने उड़ा दिया था 13 पुलिस वालों। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? नगरी यहाँ से करीब 65 किलोमीटर। क्यों करते हैं वो लोग ऐसा कुछ बता सकते? अब उनकी माया हो जाना। आपको नहीं पता वो लोग ऐसी क्या जरूरत पड़ती है जो पुलिस वालों को मारते हैं? उनको दुश्मनी हुई उनसे, कुछ सरकारी आदमी को मारते, आम जनता को कुछ नहीं करते। मान नहीं करते हो, सिर्फ पुलिस वाले लोग के ऊपर ही हमला पहुँचते हो? नहीं, ये लाइव टेलीकास्ट ऐसा कुछ नहीं, वही बता रहा हूँ। जी वह बताइए, यहाँ पर नक्सलाइट प्रभावित एरिया है क्या? ये नहीं है धमतरी, इससे जो है जैसे कि 100 किलोमीटर के अंदर में है, ये यहाँ नहीं है। धमतरी शहर में अभी तक की घटना ऐसी नहीं हुई? नहीं हुआ है, ये अगल बगल 70-80 किलोमीटर केस का अभी मतलब 80 किलोमीटर के अंदर में हुआ है, पहले बार हुआ। पहली बार कहाँ पर क्या हुआ? ये बेलर के पास नक्सलाइट लोग पुलिस के जवान के ऊपर हमला किए हैं। किसने?
नक्सलाइट लोग, हाँ उसमें कितने 12 मरे हैं और 16 घायल हैं। ये पुलिस और नक्सलाइट के दोनों का जो है ना इधर होते ही रहता है, आम जनता परेशान नहीं करते, ना लूटमार नहीं करते, ना कुछ नहीं करते। हाँ। आपको लगते हैं पुलिस वाले सही हैं? अब वो भी अपने जगह सही हैं। क्यों ऐसा करते ही क्यों? क्यों पुलिस वाले वही क्यों हमला करते हैं? पुलिस वाले उन लोगों को परेशान करते हैं। हाँ। नक्सलाइट लोग पुलिस वाले को परेशान करते हैं। अच्छा नक्सलाइट लोग भी तो आदमी ही है ना, वो क्यों बने हुए नक्सलाइट? किसी कारणवश तो बने हैं उन लोग। क्या कारण रहा होगा? कुछ परेशानी रहा होगा, गरीबी है। क्या समझते हैं नक्सलाइट का मतलब आप? जैसे कि आतंकवादी ले लो आप। अच्छा उसी टाइप वो भी है। आपको क्या लगता है उनका लड़ाई क्या? कुछ मांग होगा जो पूरा नहीं हो रहा होगा। कुछ मांग मतलब कुछ तो होगा? अभी तक तो ओपन नहीं हुआ इस बारे में तो क्या मांग है उन लोगों का। वो लोग मतलब ऐसे ही फिर पुलिस वालों को परेशान? हाँ अभी तक जितना है ना भैया पुलिस वाले ही मतलब उनके शिकार हुए हैं। और कोई बड़ा बड़ा गांव का कोई जैसे सरपंच है कुछ है उसके ऊपर घात ही कर देते हैं हमला वगैरह। बाकी ऐसा सुनने में कोई लोकल आदमी को नुकसान पहुंचाए हो ऐसा तो अभी तक नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? कहाँ सुने? कौन कौन? नक्सलाइट लोग? नक्सलाइट लोग तो बहुत अच्छे हैं जी, बोल ना भाई कैमरा के सामने बोल। दिल्ली से ले होगा उसमें डरने क्या बात है बे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग डॉक्टर विनायक सेन का नाम सुना है आपने? सर विनायक सेन जो छत्तीसगढ़ के ये थे डॉक्टर थे गौतम डॉक्टर विनायक सेन विनायक सिंह डॉक्टर विनायक सिंह बोल रहा है विनायक सेन सेन बोल रहा बहुत लोग आए फोन छूटे कहाँ नहीं भी आप तो नहीं सुने कौन सी सुने कुछ दिनों पहले कुछ घटना हुई थी कुछ जानते हैं उसके बारे में? अब किसको जानते रहेंगे भैया, यहाँ तो हमको पेट का चिमता है, जानने पहचानने वाला बात ही नहीं। आ गया आप ही आ गया, आप फिर दूसरा आदमी आ गया, किसको किसको दिमाग में रखे रहेंगे बताओ। ये सब बात है भैया। अच्छा ये जो टाटा और एसआर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, आप क्या समझते हैं इससे कुछ फायदा हो रहा है छत्तीसगढ़ को? अपने को जुद्दू अक्ता का रोटी देगा तो सब फायदा ही फायदा है भैया। हमारा गुजारा चलना चाहिए, हमको का लेना देना है, फैक्ट्री का दुनियादारी बहुत जा, उससे कोई लेन देन नहीं। आपको कुछ मतलब फायदा हुआ अभी तक? ऐसे जांगर चला रहा है तब खा रहा है भैया, और क्या। कौन आके पूछता है भैया हमको, गरीब आदमी चलो 200-400 दे दो, खाए पिए नहीं है, कहीं पड़ा है तो 2-4 रुपया दे दो, ऐसे तो है ही नहीं है। लूटने वाला आएगा और उतारी लगाने, चलो रिक्शा वाला ले चलो ले जाना ही है, और बे और रे बोल रहा है। आप जैसे आदमी आए कैसे कर लोगे बताओ? 5 रुपट्टी देगा और नखरा देखेगा तो बावन जांगर 1 लाख का लग है शरीर का। बोल बता बता। हाँ बताएंगे भी, बताने का रोल खत्म हो गया। आप वोट देते हैं? हाँ देते हैं। किसको दिया आपने इस बार? अपन तो सदियों कांग्रेस वाला है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? अरे ये तो मालूम नहीं है, किसी का सरकार चलाए उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को क्यों वोट देते हैं? अरे दे देते हैं जीतेगा कहीं के भैया, उसमें कोई जीत देगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है अपने से। हाँ मेहनत करना है, कई जन तो दारू एक पौवा दारू देता है इसमें ओढ़ देना, एक बम्फर देता है वही वो वाला, अपन आदमी नहीं है। जीवन भर जांगर चलाना है, मजदूरी काम करना है, अपना मेहनत खाना है, उससे और कोई लेन देन नहीं। जो भी सरकार बैठे रिक्शा वाले के लिए छाया लगा कौन लगाता है बताओ? देखना ही नहीं है, खोला है वो देख, कभी कभी नौकर रहता है कभी रहता ही नहीं, ये सब बात है। मजदूर आदमी कहाँ आगे बढ़ेंगे? मजदूर कमाने और खाने में लेना है वो गए, व्यापारी लोग जो बिजनेसमैन है पूंजी वाले हैं वही लोग बढ़ते हैं, हम लोग गरीब आदमी नहीं बढ़ पाएंगे। कमाना और खाना जीना बस वही है, गरीब आदमी कोई जगह नहीं बढ़ा। कंपनी खोल रहा है बाहर देश का आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का आदमी काम ले नहीं रहा, क्या क्या फायदा है छत्तीसगढ़ का? वो बस एक ढोकोचला है चोचला है, कोई दिखावा है कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में इतनी सब
ज़्यादा खनिज संपदा है, सारे संसाधन है, फिर भी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण लोग इतने गरीब क्यों? बहुत गरीब है भैया। गरीब इसलिए है सर कि कमाते हैं 200 रुपये 150 रुपये का 2 रुपये के घूम लेते हैं। सही बात है जी, सवाल ही पैदा नहीं उठता यार। जितना कमाएंगे ना उसके बाद 2 रुपये रंडी बाजी करेंगे और 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, किलो चावल मिल रहा है समझे। एक महीना पर 105 रुपए चावल लेते हैं, एक महीना डट के खाते हैं और दिन भर जो कमाते हैं उसका शराब पीते हैं। बच्चे लोग छोटे छोटे बाल बच्चे भूखे प्यासे घर में रो रहे हैं, मर रहे हैं भूख के मारे, बीमारी से, गर्मी से। सत्य बात को बताने में क्या दिक्कत है भैया? सबसे बड़ी इनका सबसे बड़ा जो इनका जहर है इनके लिए शराब है। शराब बंद हो जाए सब ठीक हो जाएगा। जिसको देखो 99% आप ले लो भैया समझे। यहाँ शराब, हाँ बस शराब, शराब और गांजा। घर में चावल ना हो, शराब और गांजा, पहले शराब और गांजा पीते हैं साले। दे हुक्का मार मार के जैसे टाटा और एसआर जैसी कंपनियां आके उनकी जमीन ले रही है, तो आप लोग क्या समझते हैं जो हो रहा है सही हो रहा है? गलत है, गलत है। कम में ले लेते हैं उसको, लेने के बाद उसको रख लेते हैं स्टॉक में, बाद में काम आएगा करके बेच देते हैं। बाद जब जगह की रेट बढ़ता है तो जैसा अभी 100 रुपये फीट में लिए तो आगे चल के 200 रुपये 250 रुपये में बेच देते हैं। इस टाइप का गरीब आदमी बेचारा बेच देता है मजबूरी के नाम से, इसको तकलीफ आ जाता है। कोई ना कोई चीज़ तो तकलीफ होता ही आदमी को, किसी घर में परेशानी आती है, कोई किसी की माँ बहन तबीयत खराब है तो और कुछ है, कोई कर्जे में लदा हुआ है। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं। कौन विकास करेगा जी? छत्तीसगढ़ का विकास करने वाला क्या करेगा? विकास करेगा लोगों को लूट रहे हैं बस। नहीं भैया ये ना विकास कर रहे हैं, हमारा यहाँ तो लोगों को जहर पिला रहे हैं, खाली सुबह शाम शराब पी रहे हैं आदमी। हमारा गाड़ी खड़ा रह जा रहा है दिन दिन भर, एक ट्रिप मार के आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बोल रहा हूँ ना यार, मैं जान जलता है तो बोल रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में किसका राज चल रहा है अभी? डॉक्टर रमन सिंह का राज चल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने 3 रुपये किलो चावल कर दिया, पब्लिक कमाने जा नहीं रही है, 50 पैसा किलो नमक कर दिया है, ठीक है ना, बिजली बिल फ्री कर दिया है ना, गरीबों को लोन मुफ्त कर दिया है, और क्या करेगा? कमाने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और क्या चाहिए बताइए आप? आप कार्यकर्ता हैं वाजपेयी भाई, क्या नाम होगा आपका? अब वो सब मत पूछो यार। क्या मतलब, मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक जब थी ना, अंदर गांव में रहती थी ना, तो नक्सलियों का सपोर्ट करती थी। अब उसका मतलब ये हो गया है कि अब गांव में जब कोई नहीं रहेगा तो सपोर्ट किसका पब्लिक करेगी? पुलिस वाले का करेगी ना, इसलिए तलवार बनाया। पुलिस वालों ने मिलकर, इसमें क्या करते हैं जो गांव की जनता होती है? वो गांव की जनता होती है, उसको अपना खाना में लाके शामिल करते हैं, दाल भात सब करते हैं, उसको नौकरी देते हैं। हाँ, नौकरी देते हैं। पैसा कितना देते हैं? 6,500 रुपये अभी तो परमानेंट हो गया, 380 लोग परमानेंट हो गए, 8,000 रुपये वेतन है उनका। छत्तीसगढ़ जैसी जगह है जो खनिज संपदा से बिल्कुल परिपूर्ण, हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है, लोहा, कोयला, सीमेंट, गिट्टी, बालू सब मिलता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इतना गरीब क्यों है? कारण क्या है इसका? सब सच्चा में यार, सब संपन्न है यार, कौन गरीब है यहाँ? कोई गरीब नहीं दिख रहा है क्यों? अरे इतनी ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में जी रही है, आप कह रहे हैं सब संपन्न। क्या होता है, एक हमाल पर डे का 100 रुपया कमाता है, 90 का दारू पिया, 10 बच्चा वो सवेरे मॉर्निंग के लिए रखता है, सवेरे दारू पी के काम में जाएगा, फिर 100 रुपया कमाएगा, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में 10 रुपया बचाएगा, 90 खर्चा करेगा, इसलिए उतना ही कमाते हैं उन लोग जितना का सवेरे दिन का खर्चा चले और सवेरे मॉर्निंग का दारू पी के अपना काम में, समझ गए? नहीं, ये छत्तीसगढ़ बहुत छोटा चीज़ है, अब बहुत अत्याचार है यहाँ। किस तरह का अत्याचार होता है? कांग्रेस शासन थी तो किसी को भी उठकर के पिटते थे, सब करते थे, भाजपा शासन हुआ तो अभी ये हुआ है, आप किसी भी गांव में पहुंच जाओगे तो पानी मांगोगे तो पानी, ठंडा पानी, सब तरह का पानी मिल जाएगा। कांग्रेस शासन थी तब आपको जंगल में या कहीं गांव देहात में आपको पानी नहीं मिलता था, भाजपा शासन हुआ तो आपको जगह जगह में हैंडपम्प, जगह जगह में बोर, सब चीज़ का व्यवस्था हो गया,
आप कहीं भी किसी गांव में रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप कांकेर पे रहे हैं, ये आप कांकेर पे हैं जी। आप इस रोड से जाएंगे सरौना जाएंगे, सरौना से आप नगरी निकल जाएंगे ठीक, तो इसी के बीच पे बिरगुड़ी पड़ता है ठीक है, और यहाँ से नगरी से जो 3 किलोमीटर आपको साकला पड़ेगा, और साकरा से आपको 12 किलोमीटर इस गाँव पड़ जाएगा, और फिर आपको वापस आप नगरी आएंगे, और नगरी से आप धमतरी जा सकते हैं, फिर धमतरी से आप रायपुर जा सकते हैं। ऐसा है, नहीं हम आगे नीचे जाना चाह रहे हैं, साउथ बस्तर जाना चाह रहे हैं। कार्ड वार्ड है आप लोग पास? कार्ड वार्ड की क्या जरूरत, हम दिल्ली से हैं ना, कार्ड हमारे पास है हजारों अलग अलग तरह के, बट वो कार्ड यहाँ नहीं, एक तो क्या है बात, वो नहीं बात ये, हम देखिए कोई सरकारी वरकारी तो है, हम इंडिपेंडेंट है ना, आप कैसे बताएंगे डिफेंड कैसे करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी जंगल एरिया है, आपको रिसगांव जाना है तो जंगल एरिया है। अच्छा, वहाँ पे बस ये है कि आपको रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, मान लो टकरा गए तो। अभी क्या माहौल खराब है वहाँ का, वहाँ के सरपंच और कोटवार को बंद कर दिए हैं पुलिस वाले, क्यों बंद कर दिए कि नक्सलियों को मदद करता हूँ, क्या नाम है सरपंच का, अलग नाम है सर, कुछ नाम है छपा तो है, किस गांव पे है ये, जिस गांव पे बैठ गए, कितने लोग अभी जेल में होंगे, 500-700 लोग से जुड़े हुए मैटर में। देखिए जो जनरली इवेंट्स करते हैं हम, इवेंट्स की रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी स्टोरी है और कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, बट इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ता है ना, हमारा काम वैसे जो, हाँ तो देखिए मान लीजिए सपोज ये घटना घटी, इस घटना में हम लोगों से वहाँ से बात की पब्लिक से, जिस गांव में घटना घटी तो उस विलेज पर हमने ये देखा कि कितने रास्ते हैं उस गाँव में पहुँचने, हमने अपने स्टडी किया कि इस विलेज पे, इस विलेज के पास में जब घटना हुई, इस विलेज पे जब पुलिस पहुँची तो वो किस रास्ते से पहुंची और किस रास्ते से वापस आ रही थी, और इस गांव में पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, उस गांव से कितने जुड़े हुए और गांव हैं, उन गांव की क्या स्थिति थी, हम जिस रास्ते में घटना घटी उस रास्ते से नहीं गए, जिस रास्ते से वो लोग आए थे पुलिस वाले उस रास्ते से नहीं गए, हम तीसरे रास्ते से पहुंचे, हम लोगों से बातचीत किए, अभी से रास्ता नहीं बताया, पानी पीने को नहीं दिया, गांव में गए पानी पीने को नहीं दिया, हमने दिखा वो हमारे लिए स्टोरी हो गई, घरों में ताले लटके रहे हमारे लिए वो स्टोरी हो गई, ये आपका साउथ बस्तर है, यहाँ से कोई प्लान नहीं किया है, इससे नॉर्थ बस्तर से कोई प्लान नहीं किया, नीचे साउथ बस्तर में, साउथ बस्तर में बताते हैं लोग उड़ीसा चले गए हैं, आंध्रा चले गए, छोड़ दिए हैं, अभी उनका ये पुलिस कैंप के बारे में आप बताइए, हाँ कैंप की पुलिस, पुलिस बता रही है, पुलिस प्रताड़ित करती है, इधर नस्ल प्रताड़ित करते हैं, तो वो लोग उसको चढ़कर चले गए कि दूसरे जगह अपना मजदूरी चालू करेंगे, इस तरह से बहुत परिवारों ने किया, हजारों परिवारों ने ऐसा भी किया, तो दोनों जगह से बचने के लिए इस स्थान से निकल गए, पुलिस जाती है, पुलिस गांव से लोगों को उठा के लाती है, उठा के लाती है तो पूछताछ करती है, मारते पीटते हैं, तो इसलिए गांव के लोग खड़ी करते हैं, पुलिस परेशान गांव के लोगों की बात करते हैं, जब इवेंट्स होती है, मान लो घटना घटी तो पुलिस ये मान के चलती है कि जिस गाँव में घटना घटी है तो उस गाँव की किसी न किसी रूप में संलिप्तता हो, गाँव के लोगों को तो पता ही होगा इस घटना के बारे में, मान लो 100 से 150 लोग एक नक्सली आते हैं, पुलिस का सोचना है कि 150 लोग नक्सली आते हैं तो गांव के लोगों को पता होता है, गांव के लोग बताते नहीं हैं, गांव वालों की किसी न किसी रूप में संलिप्तता रही होगी, चाहे खाना खिलाने के रूप में, चाहे उनको सहयोग करने के रूप में, या किसी के रूप में, तो जब घटना हो जाती है और कोई जब पुलिस का जवान शहीद हो जाता है तो पुलिस का एग्रेसिव होना स्वाभाविक होता है, और पुलिस जब एग्रेसिव होती है तो उस गाँव के लोगों को, प्रमुख लोगों को काट डालती है। भी आता है जब यहाँ आते हैं, ये मतलब इंसान करे क्या, हाँ भाई बड़े बड़े लोग मन तो काहे के का, हाँ मन लिंकती जिंकती रात दिन एक दिन बनी नहीं जा नहीं कर पाते, हमारी जिंदगी ये है यार, रुक जा यार गाड़ी बंद कर, मुझे सुना है एक यार शहर से आते ना, हम भी शहर में रहते हैं, हम संसद से लड़ते हैं, मतलब
बस डराते लोग मतलब पता है हाँ। फिर जब इन हादसा हुआ मतलब किसी को कुछ पता नहीं था नहीं कौन जाने पारो बस्ती वाला पता हो रही चाहे नहीं हो रही चले हम नहीं जान सकें सही है हम तो बाहर में हम ब्रान भी देख हम कहा जाए मुझे लगता है तो अच्छा होगा आप कहाँ रहते हो रिजगांव रखो हाँ रिजगांव रखो आप करते क्या धान थरहा लगा तो डरो मत तुम ठीक है धान थरहा लगा तो नहीं डर रात भर रखो भैंसा बैला बिटा थे दिन भर आप रात भर अब बहुत घबरा रहे हो जाने नहीं हम कहीं कहीं नहीं हम तक सुना जाने नहीं डर लात थी ना हवन बुढ़ान में तब से हवन 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 थे तो सुन खन खबर अबर ल तो छोड़े कि हम तो गरु गाय मारनी मारे उतनी परेशानी में बोला राखा था तो बोला छोड़ देते तो एक ही दिन में चरपट हुई नहीं छोड़ सकन और देखा नहीं जाना नहीं रहा का भाव गाँव के सुन थन जरूर उठिया थे लोग मनते यहाँ कुछ कारीगर लोग नहीं है कार्यकर्ता वाला कारीगर कारीगर जो चीजें बनाते हैं हाँ वहाँ हाँ वे वो इस गाँव आमा बाहर में है और उन्होंने करते क्या है क्या बनाते हैं टंगिया हंसिया बसुला कुदारी किसान मन के जो नांगर लोहा वगैरह और बेचते फिर कहाँ बेचे नहीं मान लो गांव के किसान मन लेते जाते हैं तो मतलब बना बना के देते हैं तब वो मतलब जेवर देते हैं जेवर हाँ मतलब जेवर कहाँ से आते हैं सात काठा छः काठा धान देते हैं मतलब जेवर कथन हम हाँ धान हाँ हाँ वो कर मेहनत ला हाँ देते हैं हाँ अभी आपके गांव से आया सब खाली पड़ा है क्यों खाली है अभी अभी आप इनको बात करें सब छुपके सब भाग रहे हैं इतना घबराहट क्यों है गांव में हाँ सब दुनिया भर के हुआ थे सब उधर उधर फिक्र रखते हैं अब का है काम उतना नहीं चले हैं कुछ नहीं तो बाहर जा जा के जिया थे खाते हैं बने कोई नगरी सांकर जाते हैं कोई होटल में करते हैं तो कोई कहीं बड़े किसान मन कर जाते हैं बहुत लोग जाए हैं अब तो कहाँ जा रहे हैं नगरी सांकरा कहाँ कहाँ जो होटल में तो कनु बड़े किसान मन करा कनु सेठ माड़वरी मन करा काम करे बा और काम नहीं मिले तो अब नहीं मिले तो क्या करे उसने गांव में काम नहीं मिले तो उसने जा जाके जीतन खाते और उधर भी काम नहीं मिले और गांव में भी काम नहीं मिले फिर करेगा क्या आदमी क्या करेगा है? कुछ नहीं जिंदगी कुछ नहीं कैसे बंदूक क्यों नहीं उठाते हो है? बोला खिले नहीं है न जाने नहीं है आज तक कसन धरे नहीं है वजन कति रथे चलाते कसन तो आवाज सुन के जीव धर धर थे धाय कर ले तो छिए नहीं है तो का जानो अभी हादसे के बाद तो पूछताछ हो रहा हाँ हुआ तो ही तब तो सरपंच लगी नहीं कहते वहाँ पूछताछ गाँव वाले को नहीं परेशान कर रहे हैं लोग पूछताछ में नहीं नहीं कर रहे इसे लगते तो बताती कोई कोई लोग मनाते हैं जाते हैं तो मन बताती कि गांव में ऐसी परेशानी होते कि ऐसे करते कि बताती सुनते नोसन ली सुन सरपंच ल कोटवार लेगी नहीं ऐसे करके सुनथन तहन कहीं लत नहीं सुना थन सही है ये भाई साहब तो बहुत घबरा रहा था ये तो सोचा था करो सोचा था रूढ़ी वाले आए या उग्रवादी आ गए भाई अब तो मेरे जीव के आदमी डरना ही डरना है अब गरीब आदमी तो साहब अब ये में नहीं है तो बुढ़ान में धान मान लगा रथन अब घाम भर वहाँ गरु गाय बैला भैंसा के रखवारी कर करके रह रथन आपका दुर्घटना के बारे में क्या पता है दुर्घटना के बारे में हम अनुहर हैं वो आवाज दिया ढा ढू आवाज ला सुने तो ओकर बिहान दिन सुने कि नहीं ऐसे ऐसे हो गए वहाँ दुर्घटना ऐसे कि सुने बम गाड़ी वाड़ी जला दिन ऐसे करके सुने हाँ